नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात में साबरमती नदी के पानी में मिला कोरोना वायरस, दो तालाबों का पानी भी संक्रमित। जी हां दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली साबरमती नदी में कोरोना वायरस के मिलने की पुष्टि हो गई है। कुछ समय पहले नदी से लिए गए पानी के सैंपल जांच में संक्रमित मिले हैं। इस खबर से ही पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं, साबरमती नदी के अलावा अहमदाबाद के अन्य जल स्रोत कांकरिया और चंदोला झील से लिए गए सैंपल भी जांच में संक्रमित मिले हैं। इन सभी सैंपलों में वायरस की मौजूदगी काफी अधिक बताई गई है। IIT गांधीनगर सहित देश के 8 संस्थानों ने मिलकर यह अध्ययन किया है, जिसमें नई दिल्ली स्थित JNU के स्कूल ऑफ एनवायरमेंट साइंसेस के शोधकर्ता भी शामिल हैं। IIT गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष कुमार ने कोरोना वायरस की मौजूदगी पर किए गए शोध में काफी बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि सितंबर से दिसंबर 2020 तक कोरोना वायरस के 16 सैंपल साबरमती नदी से लिए गए थे, जिसमें कोरोना वायरस की मौजूदगी पाई गई है। इसके अलावा कांकरिया और चंदोला झील से भी नमूने लिए गए। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि साबरमती के नमूनों में कोरोना वायरस की उपस्थिति कितनी खतरनाक है। साबरमती नदी के पानी में पाया गया कोरोना है या जीवित, यह जानने के लिए अध्ययन जरूरी है। जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। भारत में अलर्ट जारी, अक्टूबर तक दस्तक दे सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक दल ने अक्टूबर तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। चिकित्सा विशेषज्ञों के राइटर्स पोल के अनुसार अक्टूबर तक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर आने की संभावना है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि यह भारत में आई दूसरी कोरोना लहर के मुकाबले अधिक नियंत्रित होगी, लेकिन इस तीसरी लहर के कारण अब देश में कोरोना संक्रमण एक और साल तक बना रह सकता है। दुनिया भर के 40 स्वास्थ्य विशेषज्ञों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, वायरोलॉजिस्ट, महामारी विज्ञानी और प्रोफेसर के 3 से 17 जून के स्नैप सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में टीकाकरण में एक महत्वपूर्ण तेजी आना तीसरी लहर के प्रकोप को थोड़ा कम कर देगा। भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भविष्यवाणी करने वालों में से 85% या 21 से अधिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि अगली लहर अक्टूबर तक आएगी। 3 लोगों ने अगस्त की शुरुआत में और 12 लोगों ने सितंबर में इसकी भविष्यवाणी की है। बाकी बचे 3 लोगों ने नवंबर से फरवरी के बीच भारत में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। असम के कांग्रेस MLA ने अपनी ही पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा राहुल गांधी नेतृत्व करने में है असमर्थ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान और पंजाब के बाद अब असम में पार्टी के भीतर खटपट शुरू हो गई है। असम के कांग्रेस विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इस्तीफा देने की बात कही है। कांग्रेस विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने बताया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वह नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा अध्यक्ष से मिलूंगा और अपना इस्तीफा दे दूंगा। रूप ज्योति कुर्मी ने कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी में युवा नेताओं की बात नहीं सुनी जाती है और आलाकमान युवाओं की बजाय बुजुर्ग नेताओं को प्राथमिकता देता है। इसी वजह से सभी राज्यों में पार्टी की स्थिति खराब हो गई है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी कहर बरपा रहा है कोरोना, ऑक्सीजन बेड्स की हो सकती है कमी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस संबंधित साप्ताहिक आंकड़े साझा किए हैं, जिसके मुताबिक प्रदेश में संक्रमण की सबसे अधिक दर कोल्हापुर में है और इसके पड़ोसी जिले सिंधुदुर्ग में ऑक्सीजन बेड पर सर्वाधिक मरीज भर्ती हैं। इसमें बताया गया है कि कोल्हापुर में नमूने संक्रमित पाए जाने की दर 13.77% है और सिंधुदुर्ग में 55.20% मरीज ऑक्सीजन बेड पर भर्ती हैं। ये आंकड़े महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि पिछले हफ्ते कोल्हापुर में संक्रमण की दर 15.85% थी और यहां ऑक्सीजन बेड के भरे होने का
67.41% था। आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में 16,570 ऑक्सीजन बेड भरे हुए हैं। हालांकि ये आंकड़ा लगातार घट रहा है। इसमें बताया गया है कि रायगढ़ और रत्नागिरी में संक्रमण दर क्रमशः 12.77% और 11.90% है। गोंदिया में संक्रमण दर सबसे कम 0.27% है। पुणे में संक्रमण दर 9.88% और नागपुर में 1.25% है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हफ्ते में 5 की जगह 4 दिन ही करना होगा काम, 3 दिन मिलेगी छुट्टी, मोदी सरकार ला सकती है नया नियम। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। अब उन्हें काम के घंटे और दिन में राहत मिल सकती है। जल्दी हफ्ते में 5 दिन की जगह 4 दिन नौकरी करनी होगी और 2 दिन की जगह हफ्ते में 3 दिन छुट्टी रहेगी। देश में बने नए श्रमिक कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिल सकती है। उधर केंद्रीय सरकार ने ट्रेवलिंग अलाउंस यानी TA क्लेम सबमिशन की समय सीमा 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी है। इसे 15 जून 2021 से लागू किया गया है। मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट पर TA क्लेम की समय सीमा 1 साल से घटाकर 60 दिन की थी। इस समय समय सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार को कई सरकारी विभाग बोल रहे थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। नए लेबर कोड में नियमों में यह विकल्प भी रखा जाएगा, जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। नए नियमों तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है। काम करने के घंटों की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 घंटे रखी गई है। ऐसे में काम के दिन घट सकते हैं। नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। कोर्ट के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त अवकाश को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस की मांग, विदेशी बैंकों में जमा काले धन पर श्वेत पत्र लाए केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने स्विस बैंकों में जमा भारतीय नागरिकों का व्यक्तिगत पैसा और कंपनियों का पैसा 2020 में बढ़कर 20,700 करोड़ रुपए से अधिक हो जाने को लेकर शुक्रवार को केंद्र पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा है कि सरकार श्वेत पत्र लाकर देशवासियों को बताए कि यह पैसा किनका है और विदेशी बैंकों में जमा काले धन का वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने आरोप लगाया है कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने काले धन को लाने और लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए जमा कराने का वादा किया था, लेकिन 7 साल बीत जाने के बावजूद उसने अपने इस वादे को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि भारतीय नागरिकों और कंपनियों द्वारा स्विस बैंक में जमा की जाने वाली धनराशि के साल 2000 के आंकड़े स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए। एक तरफ लगभग 97% भारतीय पिछले साल और ज्यादा गरीब हो गए, तो दूसरी तरफ 2020 में स्विस बैंक में जमा राशि बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि साल 2020 में स्विस बैंक में कुल जमा राशि साल 2019 की तुलना में बढ़कर 286% हो गई है। कुल जमा राशि 13 साल में सबसे ज्यादा है, जो साल 2007 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर बात करने को तैयार है सरकार। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर नरेंद्र सिंह तोमर का फिर एक अहम बयान सामने आया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान यूनियन के सामने एक शर्त रखते हुए कहा है कि भारत सरकार किसानों से बात करने को तैयार है। कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा यदि कोई किसान यूनियन किसी भी समय कानूनों के प्रावधानों के बारे में बात करना चाहती है, तो मैं उसका स्वागत करूंगा। आपको बता दें कि किसान संगठन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि वह जरूरत के अनुसार इसमें सुधार करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने कई बार संकेत दिए हैं कि किसान संगठनों को सिर्फ इन कानूनों को रद्द करने से इतर कानूनी बिंदुओं पर बात करनी चाहिए, तभी बात आगे बढ़ सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
ममता बनर्जी के बाद टीएमसी के पूर्व मंत्री शांतिराम महातो भी पहुंचे कोलकाता हाईकोर्ट, कर रहे हैं रिकाउंटिंग की मांग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद उनकी पिछली सरकार में मंत्री रहे शांतिराम महातो ने भी हाईकोर्ट का रुख किया है और अपनी हार को चुनौती दी है। उन्हें चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट के हाथों 500 वोटों से हार मिली थी। उन्होंने हाईकोर्ट से मतों की फिर से गिनती कराने की मांग की है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। शांतिराम महातो ममता बनर्जी की पिछली सरकार में ताकतवर मंत्री रहे थे, लेकिन चुनाव में उन्होंने पुरुलिया की बलरामपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट के हाथों 500 वोटों की हार मिली थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली और 15 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख दी है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर की है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती दी है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली खबर का। कोरोना की दूसरी लहर में रेलवे के 2300 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत, परिजनों की मुआवजे की मांग। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में यानी 60 दिन में रेलवे के 2300 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि दूसरी लहर में रेलवे की तरफ से ऑक्सीजन ट्रेन समेत तमाम सवारी ट्रेनें चलती रही। अब AIRF ने भारत सरकार से रेलवे कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा देने की मांग की है। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली रेल मंडल के कर्मचारी तारा चंद, सीराना, अजय मलिक, बालकृष्णन, दानवीर सिंह, AK सिंह जैसे देश भर में 2300 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मारे गए, जबकि कोरोना की पहली लहर में महज 400 रेल कर्मचारियों की जान गई थी। कोरोना महामारी ने लखनऊ के इमिलिया गाँव के रहने वाले रेलवे कर्मचारी विनोद कुमार यादव और सत्य प्रकाश का घर पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इनके घर में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अब 6 भाइयों में से केवल 2 जिंदा बचे हैं। मृतक विनोद के भाई ओंकार सिंह यादव ने सरकार से मदद मांगते हुए कहा है कि मैं सरकार से गुहार लगाता हूं कि मेरी बड़ी भाभी और छोटी बहू जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको आर्थिक मदद और नौकरी दी जाए। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में रेलवे ने करीब 13,000 से ज्यादा मालगाड़ी चलाई और ट्रेनों के जरिए 32,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करके वाहवाही बटोरी, लेकिन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का कहना है कि रेलवे कर्मचारियों की वैक्सीनेशन से लेकर मारे गए कर्मचारियों की आर्थिक मदद देने में सरकार अब आनाकानी कर रही है। AIRF के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि रेलवे कर्मचारियों को फ्रंटलाइन मानकर 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। मनचाहे समय पर चाहते हैं LPG सिलेंडर की डिलीवरी तो देना होगा 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां दोस्तों, आजकल LPG सिलेंडर बुक कराना और डिलीवरी लेना पहले के मुकाबले काफी आसान और तेज हो गया है। जहां पहले बुकिंग के लिए लंबे समय तक कॉल पर इंतजार करना होता था और डिलीवरी के लिए हफ्तों भर तक राह देखनी पड़ती थी, अब सिर्फ एक मिस्ड कॉल से बुकिंग हो जाती और उसी दिन डिलीवरी भी मिल जाती है। लेकिन इससे अलग एक और सर्विस भी है जो इंडियन गैस अपने ग्राहकों को देता है। वो यह है कि ग्राहक अपना LPG सिलेंडर कब और किस वक्त चाहते हैं यह भी वो तय कर सकते हैं, यानी अपने पसंदीदा वक्त पर वो डिलीवरी ले सकते हैं। इस प्रिफर्ड टाइम डिलीवरी सिस्टम के तहत आप दिन और टाइम दोनों बुकिंग के समय ही चुन लेते हैं। हालांकि इसके लिए इंडियन ग्राहकों से एक छोटी सी फीस भी लेता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा के उत्तरी तट, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, सिक्किम, दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा और तटीय कर्नाटक में मध्य बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, आंतरिक उड़ीसा, केरल, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम हिमालय के बाकी हिस्सों, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राज्य स्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी में आज सोने एवं चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक आज दिल्ली में सोने के हाजिर भाव में 188 रुपए प्रति 10 ग्राम की वृद्धि देखने को मिली है। इससे शहर में सोने का दाम 46,460 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 46,272 रुपए पर बंद हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी की कीमत में 173 रुपए
प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे शहर में चांदी की कीमत बढ़कर 67,658 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 67,485 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। साइबर फ्रॉड से नहीं डूबेगा आपका पैसा, गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया हेल्पलाइन नंबर और प्लेटफॉर्म। जी हां दोस्तों, साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं की वजह से वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेशनल हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नेशनल हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म उस व्यक्ति को ऐसे मामलों की शिकायत करने के लिए एक मैकेनिज्म मुहैया कराता है ताकि उसकी गाड़ी मेहनत की कमाई को गंवाने से बचाया जा सके। लोगों को डिजिटल का एक सुरक्षित इकोसिस्टम देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इस हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। हेल्पलाइन को 1 अप्रैल 2021 को सॉफ्ट लॉन्च किया गया था। हेल्पलाइन 155260 और इसके रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भारतीय रिजर्व बैंक, सभी बड़े बैंकों, पेमेंट बैंकों, वॉलेट और ऑनलाइन मर्चेंट के समर्थन और सहयोग से चालू किया है। फिलहाल इसे 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है, जो 35% से ज्यादा की आबादी को कवर करता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फ्रांस में इस सप्ताह खत्म हो जाएगा लॉकडाउन, पारंपरिक तरीकों पर वापस आ रहा है देश। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में अब कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है, साथ ही 20 जून से पूरे देश में लॉकडाउन भी समाप्त कर दिया जाएगा। इस दिन के बाद से देश में मास्क लगाना भी अनिवार्य नहीं होगा। देश में अब कोरोना संक्रमण बिल्कुल नए के बराबर रह गया है, इसके चलते देश के लोग अब आमतौर तरीकों पर वापस आ रहे हैं। शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने द्वितीय विश्व युद्ध के 2 दिग्गजों का पारंपरिक तौर पर अभिवादन किया। फ्रांस में गालों पर चूमकर अभिवादन करने की पारंपरिक प्रथा है। कोविड-19 के शुरुआती दौर में इस प्रथा को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर स्थिति सामान्य हो रही है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली खबर का। चीनी साइबर जासूसों की नजर भारत के डिफेंस, टेलीकॉम समेत कई सेक्टरों को कर रहे हैं टारगेट। जी हाँ दोस्तों, चीनी साइबर सैनिकों के एक संदिग्ध इकाई ने भारतीय दूरसंचार कंपनियों, सरकारी एजेंसियों और कई रक्षा कॉन्ट्रैक्ट्स को निशाना बनाया है। एक साइबर थ्रेट्स इंटेलिजेंस कंपनी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। कंपनी ने खुलासा करते हुए कहा है कि चीन की इन चालाकी वाले जासूसी ऑपरेशंस के सबूत हैं और इन अभियानों से पीपुल लिबरेशन पार्टी के जुड़े होने की खबर है। यूनाइटेड स्टेट्स के मुख्यालय के तहत आने वाले रिकॉर्डेड फ्यूचर्स की ओर से ये निष्कर्ष प्रकाशित की गई थी, जिसने इस साल की शुरुआत में बिजली और बंदरगाह क्षेत्रों में भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को टारगेट करने वाले निरंतर चीनी साइबर संचालक के साक्ष्य की सूचना दी थी। मार्च में उजागर हुई इस यूनिट को रेडी को कहा गया है, जबकि नए समूह की पहचान रेड फॉक्स ट्रॉट के रूप में की गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेवोल्ट ने शुरू की अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स की बुकिंग, 28,200 रुपये तक घटाए दाम। जी हाँ दोस्तों, रेवोल्ट्स ने अपनी सबसे पॉपुलर बाइक्स RV 300 और RV 400 की बुकिंग एक बार फिर शुरू कर दी है। रेवोल्ट्स अभी भारत के 6 शहरों दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद और हैदराबाद में अपनी बाइक्स बेचती है, लेकिन कंपनी 35 शहरों में अपना बिजनेस फैलाना चाहती है। रेवोल्ट बुकिंग के बाद डिलीवरी की तारीख भी आगे बढ़ा सकती है, जो कि पहले इसी वित्तीय वर्ष में होनी थी। रेवोल्ट्स ने अपने ग्राहकों को बाइक देने की तारीख और डिलीवरी के बीच के अंतर को कम करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने की घोषणा की है। फिलहाल रिवॉल्ट्स में पूरी तरह से टचलेस ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है। ग्राहक कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफाई मी टैब पर क्लिक करके बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। RV 400 की बुकिंग 7,999 रुपए, जबकि RV 300 की बुकिंग 7,199 रुपए है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, बोध गया किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।